एक महिला ने चित्रकार से अपने कुत्ते का एक सुंदर चित्र बनाने को कहा। जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो चित्रकार ने महिला को अपने स्टूडियो में चित्र देखने के लिए बुलाया। महिला कुत्ते के साथ स्टूडियो पहुंची और वह कुत्ते को चित्र दिखाते हुए बोली, डॉगी यह चित्र कैसा है? पर कुत्ते ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। महिला बोली, मुझे यह चित्र नहीं चाहिए, यह मेरे कुत्ते को पसंद नहीं है। चित्रकार निराश हो गया। उसने थोड़ा सोचा और महिला से कहा, आप कल आइए, तब तक मैं इस चित्र में थोड़ा बदलाव कर दूंगा। अगले दिन जब महिला चित्रकार के स्टूडियो में पहुंची तो कुत्ता चित्र को देखते ही उसके पास गया और उसे चाटने लगा। महिला ने चित्रकार से कहा, मेरे कुत्ते को यह चित्र पसंद है, आप इसे पैक कर दो। जब महिला चित्र लेकर चली गई तो चित्रकार का नौकर बोला, मालिक, कल तो कुत्ता चित्र में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और एक दिन में आपने ऐसा क्या किया कि वह दुम हिलाते हुए चित्र को चाटने लगा था? चित्रकार बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस उस चित्र पर मांस का टुकड़ा रगड़ दिया था, इसलिए कुत्ता चित्र को चाटने लगा था। दोस्तों, राजा के पास एक बकरा था। राजा ने घोषणा की कि जो भी व्यक्ति उसके बकरे को घास खिलाकर तृप्त कर देगा उसे उपहार मिलेगा। बकरा तृप्त हुआ या नहीं इसकी परीक्षा राजा खुद करेंगे। ऐलान के बाद बड़ी संख्या में लोग राजमहल पहुंच गए। लोगों ने बारी बारी से बकरे को घास खिलाकर तृप्त करने की कोशिश की, लेकिन बकरा जैसे ही राजा के पास जाता तो राजा उसके सामने घास रख देता, बकरा वह घास खाने लगता। काफी लोग इस काम में असफल हो गए। लोग मान चुके थे कि प्रतियोगिता कोई जीत नहीं सकता। तभी एक बूढ़ा आदमी राजमहल पहुंचा। उसने बकरे को अपने साथ लिया और जंगल ले गया। शाम को बूढ़ा आदमी बकरे को लेकर राजा के पास गया। राजा ने तुरंत ही बकरे के सामने घास रख दी। बकरे ने घास खाना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं। राजा भी हैरान था कि यह कैसे संभव हो गया। उसने आदमी से पूछा तो आदमी बोला, महाराज, मैं बकरे को जंगल ले गया, पहले तो मैंने बकरे को पेट भर घास खिला दी, इसके बाद बकरा जैसे ही घास खाने की कोशिश करता तो मैं उसे डंडे से मारने लगता। ऐसा ही करते करते सुबह से शाम हो गई और बकरा यह समझ गया कि अगर मैंने घास खाने की कोशिश की तो मुझे मार पड़ेगी। दोस्तों, एक बार अकबर ने भरी दरबार में बीरबल का मजाक उड़ाने को सोचा। अकबर ने कहा, पिछली रात मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं और बीरबल एक दूसरे की ओर आ रहे थे। अंधेरा होने के कारण हम दोनों एक दूसरे से टकरा कर गिर पड़े, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं खीर के तालाब में गिरा और बीरबल नाली में गिरा। यह सुनकर बीरबल से जलने वाले दरबारी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन बीरबल चुप थे। जब सभी दरबारी शांत हुए तो बीरबल ने कहा, महाराज, इंतफाक की बात है कि कल मैंने भी यही सपना देखा, लेकिन शायद आपकी नींद हमारे गिरकर उठने के बाद टूट गई थी, पर मैंने पूरा सपना देखा है, इसलिए आप सभी को बताता हूँ कि आगे क्या हुआ। बीरबल ने कहा, महाराज, आप खीर के तालाब से बाहर निकले और मैं नाली से बाहर निकला। खुद को साफ करने के लिए हमने पानी की तलाश की। दोस्तों, एक बार एक टीचर ने अपने एक स्टूडेंट की परीक्षा लेने को सोचा। टीचर ने स्टूडेंट को एक लकड़ी दिया और पूछा, बेटा, क्या तुम इस लकड़ी को बिना काटे और तोड़े छोटा कर सकते हो? स्टूडेंट बोला, हाँ सर, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। टीचर ने पूछा, कैसे? तब स्टूडेंट ने पास में पड़ी एक बड़ी लकड़ी उठाई और फिर टीचर से पूछा, सर, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? टीचर समझ गया कि बच्चा होशियार है। दोस्तों, यहाँ सीखने लायक बात यही है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, अगर दिमाग से काम लिया जाए तो उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वह फ्रिज करने वाले कमरे में गया, लेकिन गलती से किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और आदमी अंदर फंस गया। छुट्टी हो चुकी थी। कमरे में फंसे आदमी ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन अंदर का आवाज बाहर नहीं आ रहा था। वह समझ गया कि अब तो 3-4 घंटे बाद वो बर्फ बन जाएगा। मौत को पास आता देख वह मन ही मन गॉड को याद कर ही रहा था कि तभी अचानक चौकीदार ने आकर उस कमरे का दरवाजा खोला और आदमी को बाहर निकाला। उसके बाद आदमी ने चौकीदार से पूछा कि काका, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं अंदर कमरे में फंसा हूँ? चौकीदार बोला, साहब, हर दिन कई अफसर गेट से गुजरते हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ से ऐसे गुजरते हैं जैसे यहाँ कोई खड़ा ही ना हो, लेकिन उन लोगों में से आप हो जो हर रोज आते और जाते वक्त मुझसे नमस्ते करते हो। आज सुबह आते वक्त आपने मुझसे हालचाल पूछा था, लेकिन शाम में आप मुझे नहीं दिखे तो मुझे महसूस हुआ कि जरूर आप किसी मुसीबत में हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। 3 इंजीनियर और 3 अकाउंटेंट को ट्रेन से एक सेमिनार में जाना था। स्टेशन पर तीनों अकाउंटेंट ने टिकट खरीदा, लेकिन उन्होंने देखा कि तीनों इंजीनियर ने केवल एक ही टिकट खरीदा है। वे सभी ट्रेन में चढ़े। अकाउंटेंट अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और तीनों इंजीनियर एक टॉयलेट में घुस गए। जब टीटी आया तो उसने टॉयलेट का दरवाजा खटखटाया और बोला, टिकट प्लीज। तभी एक इंजीनियर हल्का सा दरवाजा खोलता है और हाथ में टिकट लेकर एक हाथ निकालता है। टीटी ने टिकट देखा और आगे बढ़ गया। तीनों अकाउंटेंट ने इसे देखा, उन्हें यह आइडिया काफी पसंद आया। वापसी के समय जब अकाउंटेंट स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने वापसी यात्रा के लिए सिर्फ एक ही टिकट खरीदा, जबकि तीनों
इंजीनियर ने टिकट ही नहीं खरीदे। एक अकाउंटेंट ने पूछा, आप तीनों बिना टिकट के यात्रा कैसे करेंगे? एक इंजीनियर ने कहा, बस आप देखते रहो। जब वे ट्रेन में चढ़े तो तीनों अकाउंटेंट एक टॉयलेट में घुस गए और तीनों इंजीनियर एक दूसरे टॉयलेट में। कुछ समय बाद एक इंजीनियर टॉयलेट से बाहर निकला और उस टॉयलेट के पास गया जहां अकाउंटेंट छिपे हुए थे। उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, टिकट प्लीज। तभी एक अकाउंटेंट हल्का सा दरवाजा खोलता है और हाथ में टिकट लेकर एक हाथ निकालता है। इंजीनियर टिकट लेता है और फिर से जाकर टॉयलेट में छिप जाता है। जब काम वाली पोछा लगा रही हो और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं यहाँ दोबारा साफ कर दूंगी। और जब मम्मी पोछा लगा रही होती है और मुझसे गलती से फर्श गंदा हो जाता है तो वो कहती है कि बेवकूफ, देख कर नहीं चल सकता, सारा दिन मोबाइल में घुसा रहता है, अब बाहर जा और पोछा सूखने के बाद ही अंदर आइयो। और जब बहन पोछा लगा रही होती है और मुझसे फर्श गलती से गंदा हो जाता है तो तब वो कुछ कहती नहीं बल्कि मुझे। एक बार एक लड़की के घर एक आदमी आया। लड़की ने दरवाजा खोला तो आदमी ने पूछा कि एक ग्लास पानी मिलेगा। लड़की ने कहा, हाँ जरूर, आओ बैठो। आदमी अंदर आया और बैठ गया और जैसे ही लड़की पानी लेकर आई, आदमी ने कहा, अरे वाह, इतना बड़ा घर। लड़की बोली, हाँ हम बहुत पैसे वाले हैं। आदमी बोला, अरे वाह, इतना महंगा फर्नीचर। लड़की बोली, अरे बताया तो, हम बहुत पैसे वाले हैं। आदमी इधर उधर नजर घुमाने लगा और उसकी नजर नोटों के बंडल पर पड़ी और बोला, अरे इतने सारे पैसे। लड़की थोड़ा सा हंसी और बोली, अरे हम पैसे वाले हैं यार। फिर आदमी ने अपनी जेब से लेटर निकाला और लड़की को दिया। लड़की ने पूछा, ये क्या है? आदमी बोला, अरे हम इनकम टैक्स वाले हैं यार। डॉक्टर कहते हैं कि सुबह जल्दी उठने से उम्र बढ़ती है। मुर्गा सुबह जल्दी उठता है और शाम तक शहीद हो जाता है। वहम से बचो, आराम से उठो। गुड नाइट। एक सास अपने तीन दामादों का प्यार देखने के लिए एक नदी में कूद गई। एक दामाद ने उसे बचा लिया। सास ने उसे मारुति कार गिफ्ट कर दी। दूसरे दिन सास ने फिर नदी में छलांग लगाई। फिर दूसरे दामाद ने बचा लिया। सास ने उसे बाइक दे दी। तीसरे दिन सास ने फिर नदी में छलांग लगा दी। तीसरे दामाद ने सोचा, अब तो सिर्फ साइकिल ही बची हुई है। तीसरे दामाद ने सास को नहीं बचाया और सास डूबकर मर गई। पर चौथे दिन दामाद को BMW कार मिल गई। पूछो कैसे? ससुर ने दिया।